नमस्कार, गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करते हैं अब खबरों का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं। सीएम ने पाली के बाली में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। वहीं सादड़ी में कार्यकर्ताओं ने सीएम को चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया और सीएम के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सिर्फ किस्सा कुर्सी का बचा है और सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति इस बात के ऊपर मामला अटका हुआ है। ये बनेगा कि वो बनेगा कि ये बनेगा कि वो बनेगा हमें नहीं मालूम, परंतु मैं मुझे ये मालूम है कि जो लोग अहंकार के अंदर चूर चूर हो रहे हैं उनको जनता अपनी जगह दिखाने का काम करेगी। आज दिन भर मैं आपके पूरे क्षेत्र के अंदर से निकल के आ रही हूं, मुझे एक भी सीट ऐसी नहीं दिखाई दी, चाहे वो जालौर की क्यों ना हो, चाहे वो पाली की क्यों ना हो, मैंने कभी भी एक सीट ऐसे नहीं देखी जिस सीट के अंदर जनता ने मुझे ये कह दिया हो कि यहां का व्यक्ति जीत के नहीं आएगा। जो भी मेरे को व्यक्ति मिला उसने कहा हम आपके परिवार के हैं। सिरोही के रेवदर क्षेत्र में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्षेत्र के दौरे पर रहीं, जहां राजे ने बीजेपी प्रत्याशी जगसी राम कोली के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री राजे के रेवदर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करते हुए 51 किलो की माला पहनाकर अभिवादन किया। साथ ही राजे को सिरोही की सुप्रसिद्ध तलवार भी भेंट की। मुख्यमंत्री राजे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजे तो आजकल अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने झुकने लगे हैं। ये हमारे संस्कार है भाई, हमारे संस्कार है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ छोटे लोग जो बैठे हुए हैं, क्या आप अपने बड़े लोगों के पैर नहीं छूते? छूते कि नहीं छूते? क्या मैं मुझे इतना बता दो कि अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष के झुक के मैंने प्रणाम किया तो कोई गुनाह है? अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हमारे परिवार का मुखिया है अगर ऐसे के सामने मैं झुक के प्रणाम करती हूं तो क्या गुनाह है? और अगर प्रधानमंत्री जो हमारे परिवार का मुखिया है उसके सामने अगर हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं तो गुनाह है? तो इनको मुसीबत क्या हो गई? रोज खड़े होके कोई ना कोई नई बात कहते हैं जो गलत है। बीजेपी की केंद्र सरकार बनने से पहले किए गए वादों को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी पर जमकर वार किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने वादे किए थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे समेत तमाम वादे बीजेपी ने किए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, गंगा साफ करना, गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाना, ये इनके वादे थे। ये वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने ये वादा नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी का और दूसरे राजनीतिक दलों का स्टैंड पहले से साफ है कि न्यायालय का फैसला मंजूर होगा। इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो पार्लियामेंट में बिल ला करके संसद में कानून बनाएंगे, सोमनाथ की तरफ पे मंदिर बनाएंगे। तो इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, ये सवाल। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है। प्रचार के लिए सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मतदाताओं को रिझाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इस बीच राजस्थान पुलिस ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का अनूठा तरीका आजमाया है। पुलिस फिल्मी सितारों के मशहूर डायलॉग्स को पोस्ट कर जनता को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। गुजरात में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार किया था जिसका नतीजा बेहतरीन प्रदर्शन किया। राजस्थान में कांग्रेस ने कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रचारक कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में
राजस्थान का होने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। राजस्थान के चुनाव के परिणाम भारत के भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। राजस्थान में चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी के बजरंग बली को दलित शब्द से जोड़ने पर बवाल मच गया। वहीं जयपुर के बड़ी चौपड़ के बाई जी के मंदिर पर सर्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर सीएम योगी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर योगी की तरफ से माफी नहीं मांगी गई तो उनको सद्बुद्धि दिलवाने के लिए उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। के बारे में जिस प्रकार से योगी जी ने कहा है और हनुमान जी को उन्होंने वंचित बताया है, लोक देवता बताए हैं, हनुमान जी वंचित नहीं है, हनुमान जी देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उनको कहा जाता है। उनके बारे में इस प्रकार की बातें कहना कि वो वंचित हैं, वंचित नहीं है, वो तो सबके दाता रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, हनुमान जी के भक्तों का अपमान किया है और सबसे बड़ी बात राजनीतिक फायदे के लिए हनुमान जी के नाम का इस प्रकार से इस्तेमाल करना सरासर गलत है। करौली के जिला मुख्यालय के राजकीय सामान्य अस्पताल में डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट का मामला देखने को मिला। बता दें कि पीड़ित चिकित्सक लक्ष्मीकांत मीणा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा था, तभी ऋषिराज अपनी पत्नी को लेकर आया और उपचार करने के लिए बोलने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पहले से ही किसी मरीज का उपचार चल रहा है, जिसके बाद ऋषिराज और डॉक्टर के बीच झगड़ा होने लगा। ऐसे में पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक ऋषि नाम का लड़का था जो बदतमीजी करके गया था, वहाँ पर चपरासी पहुँचा चौकी पर, चौकी पे से मैं आया था ओटी पर, ओटी पर आया इतने वो आदमी नहीं था। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीक़ा से बात है, फलाना इसकी पेशेंट है, इसकी घरवाली, उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी, तो उस समय तो वहाँ से बच गया था। उसके बाद में अब डॉक्टर साहब घर पर चले गए थे यहाँ से ऑपरेशन करने के बाद में, अभी वो आए थे जिनको ला करके भर्ती कराया, जिनका इलाज किया। एक महिला थी जिसके मुझे आज केवार डालना था, तो मैंने उसको आज सुबह बुलाया था। ऑपरेशन थिएटर की बात है, सुबह आज एक आज संतोष बोस है जो आज छुट्टी पे थे, उनकी जगह पे मैडम को बुलाया था, तो बाद 12 बजे पहुंचे। पहला केस मैं कर रहा था, पहले केस के अंदर ही बार बार उन्होंने कि दरवाजा खटखटाए बार बार कि रामकेश जी के जानकार के थ्रू आए थे। मैंने कहा मैं कर दूंगा पहले ये केस के बाद में, लेकिन नहीं माने। उसके बाद जब दोबारा आया मैं तो 8-10 बार दरवाजा खटखटा के डिस्टर्बेंस करने के बाद जब मैं वापस दोबारा बाहर आया उनको समझाने, तो मैंने कह रहा है भाई पहला केस है, ये केस हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारा दूसरा केस तुम्हारा कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है तू डॉक्टर, तू कैसे केस करता है, तू कैसे नंबर लेता है, मैं तेरा नंबर बस मेरे साथ वो बदतमीजी करी मैंने उस टाइम बाद में, फिर बदतमीजी करके गाली गलौज करके वो उस टाइम मैंने पुलिस वालों को बुला लिया, तो पुलिस वाले आए थे फिर तो चले गए वो इस बार, तो फिर घर आके मेरे साथ सीधी मारपीट कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जोधपुर पहुंचे, यहां पत्रकार वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और रफाल के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार वार किया। आनंद शर्मा ने कहा कि चौकीदार की निगरानी में चौकीदार ही चोर को खबर करे कि मैंने दरवाजा खोल दिया है। नोटबंदी से लेकर रफाल तक सारे मामलों को लेकर राष्ट्रीय जाँच आयोग बने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बावजूद देश की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सरकारी आदेशों पर पिछले महीनों की कटौती की भरपाई करने में लगी हैं, तो 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच सरकार भी इससे दोहरा मुनाफा कमा रही है और तेल के औने पौने दाम घटाकर उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ऐसे में पिछले 15 दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में 30% की गिरावट आई है। इग्नू दिसंबर माह सत्रांतर परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया ने बताया कि परीक्षा में देश भर के परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं के लिए देश भर में परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए देश के 99 जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें जेल इन्वेंट्स परीक्षा देंगे। वहीं विदेशी केंद्रों पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे।
इग्नू की जो एग्जाम है कल से स्टार्ट हो रही है, इग्नू सरकार परीक्षा दिसंबर 2018, जिसमें इग्नू क्षेत्र केंद्र जयपुर द्वारा कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 22 परीक्षा केंद्र सामान्य स्टूडेंटों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो क्षेत्राधीन जयपुर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर है, बूंदी जयपुर है, कोटा है, बारा है, झुंझुनू है, दौसा है, आदि जिलों में बनाए गए हैं। और जो जेल इनमेट्स हैं उसमें लगभग 427 विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। राजस्थान में 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग शिक्षक संगठनों की ओर से की जा रही है। दरअसल प्रदेश में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके बाद 11 दिसंबर को मतगणना होनी है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया गया है, जिलेवार टाइम टेबल जारी होता है। जिला शिक्षा अधिकारी और जो समान परीक्षा प्रश्न योजना के अंतर्गत कार्यकारिणी होती है वो मिलकर के जारी करते हैं। इसमें 11 दिसंबर से परीक्षाएं स्टार्ट ना बताया गया है। जयपुर में पहला पेपर 11 तारीख को अंग्रेजी का रखा गया है, सभी क्लासों के लिए अनिवार्य पेपर होता है और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें शामिल होते हैं। 11 तारीख को मतगणना, क्योंकि कार्य शुरू होना है और 11 को ही परिणाम जारी होने हैं, तो पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है वो जाम रहता है, व्यस्त है। पुलिस की वजह से उसमें कई बार आवागमन को रोक दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल सामने कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में ही ये मतगणना कार्य होना है। 5-7 स्कूल कम से कम ऐसे हैं जिनके छात्र छात्राएं आपस में रोड क्रॉस करके या इस मार्ग से होकर के गुजरते हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अनिवार्य पेपर होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इससे प्रभावित होंगे। यदि अनुपस्थिति होती है तो फिर इसमें बच्चे का पूरा साल जो है खराब होने का डर रहता है। इस संदर्भ में हमने कल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को संगठन की ओर से ये बताया है कि इस तरह की प्रॉब्लम आनी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि परीक्षा को थोड़ा सा आगे पीछे सरकाए। राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय पर मानगंज नए कटले में एक कपड़े के शोरूम में आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास के भी कई घरों को चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने दौसा के अलावा लालसोट, बांदीकुई, महवा, जयपुर से भी दमकल को बुलाया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर जुट गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। राज्य के सभी डाकघरों और प्रशासनिक कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। 15 दिनों तक चले इस स्वच्छता अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान जयपुर, धौलपुर, अजमेर, बाड़मेर, चूरू, पाली, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर समेत कई स्थानों पर स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और इसमें राजस्थान परिमंडल के सभी डाकघरों ने, मेल ऑफिसेज ने और एनसीटी ऑफिसेज में, कॉलोनीज में स्वच्छता से संबंधित कार्य किए गए। विभाग के सारे कर्मचारियों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया। सभी शाखा डाकघरों, हेड ऑफिसेज और सब ऑफिसेज में ये कार्य किया गया और सारी कॉलोनी में भी सफाई का कार्य किया गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर वीक में 2 घंटे हर कर्मचारी को हमारे यहाँ पे वो वॉलंटरीली श्रमदान करते हैं और सफाई का अभियान चलाते हैं। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। यह आयोजन academiaguru.com कंपनी की तरफ से किया गया, जिसमें 10 छात्र छात्राओं का चयन भी किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर सेमिनार हॉल में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। ये आयोजन academiaguru.com कंपनी की तरफ से किया गया। इस कंपनी का मुख्य कार्य करियर, पर्सनल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, टीचर एंड स्टाफ ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग है। कंपनी के निदेशक राकेश काला ने बताया, निम्स विश्वविद्यालय में हम HR, IT, मार्केटिंग, ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए रिक्रूट करने आए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से हमें अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलता है। ये चयन दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए किया जा रहा है।
एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कंपनी है, इसमें हम लोग बिजनेस कंसल्टिंग में हैं। वी आर गिविंग आवर सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अ पार्ट ऑफ दैट लाइक स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स, इन सब के लिए हमारे पास सर्विसेज रहती हैं। आज यहाँ पर हम अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को सर्च करने आए थे। यू कैन से मिस्टर आशीष माथुर जी, जिन्होंने ये पूरा अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर हम लोगों के लिए, लाइक यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा, हमें फ्यूचर एम्प्लॉय यहाँ मिला है अच्छा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू निम्स यूनिवर्सिटी, लाइक इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट वे से कॉर्पोरेट को और लाइक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स अ लॉट। निम्स विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आशीष माथुर ने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस में हमेशा ही बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं। विश्वविद्यालय के प्रत्येक एकेडमिक सेशन में लगभग 90% तक प्लेसमेंट रहता है। प्लेसमेंट ड्राइव में इंटरव्यू के कुल 3 राउंड हुए। पहले राउंड में वर्बल एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया, दूसरे में ग्रुप डिस्कशन और तीसरे एचआर राउंड में पर्सनल इंटरव्यू लिया गया। इस प्रोसेस में निम्स विश्वविद्यालय के 10 विद्यार्थियों का चयन हुआ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने बहुत अच्छा आउटपुट दिया है, बट रिजल्ट नहीं आया, बट आई एम श्योर आएगा, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके लिए और मुझे पता है मेरी क्या एबिलिटी है, तो आई एम श्योर सेकेंड राउंड में मेरा नाम ज़रूर आएगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अटेंड दिस एकेडमिक ग्रुप ऑफ कंपनी, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी, और ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, तो मैं अगेन इस कंपनी के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। निम्स इस बार बहुत सारी कंपनीज लेके आ रही है, एंड हम बहुत खुश हैं कि हमें सारी कंपनी से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, और अलग अलग फील्ड की कंपनी लेके आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी फील्ड के बारे में नॉलेज मिल रहा है, और इस चीज़ से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और अगर फ्यूचर में कभी भी कोई इंटरव्यू फेस करना पड़े, तो निम्स हमें इस लायक बना रहा है, इतना कैपेबल बना रहा है कि हम आगे जाके अपने लिए खुद फाइट कर पाए, एक स्ट्रगल लाइफ में अच्छे से हम एंटर कर पाए। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी फाइन आफ्टर द सिलेक्शन विद crewacademy.com। निम्स यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे प्लेसमेंट दिलाकर, अब मेरा करियर मुझे सेफ फील हो रहा है मेरे करियर में। सिटीजन ऑफ नाइजीरिया, आई एम रियली हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मेकिंग इट, आई एम अमंग द वन दैट वाज सेलेक्टेड फॉर दिस प्लेसमेंट ड्राइव, थैंक्स टू द निम्स यूनिवर्सिटी फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू अस। And then finally, thanks to Academia Guru for giving us this opportunity. Thank you. चयनित विद्यार्थियों में कंप्यूटर साइंस विभाग से प्रिया गोयल, सोनू, सार्थक आगिवाल और इंजीनियरिंग कॉलेज से शरीफ इब्राहिम और उस्मान मोहम्मद कबीर का चयन हुआ। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यूज इंडिया के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट। भरतपुर में गुरुवार को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 की न्यायाधीश मीना अवस्थी ने अपहरण और हत्या के मामले में राजवीर उर्फ राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान अपर लोक अभियोजन गोविंद सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपने दोस्त संजय का अपहरण कर परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। फिरौती नहीं मिलने पर शिकोहाबाद में ही होटल में आरोपी ने संजय को जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। न्यायाधीश संख्या 3 की न्यायाधीश श्रीमती मीना अवस्थी द्वारा मुलजिम राजवीर उर्फ राजू पुत्र रामेश्वर जाति ठाकुर निवासी बीनारायण के कच्चा कुंडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302-364A में आजीवन कारावास एवं धारा 201 में 7 साल की सजा एवं 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित। करौली में विधानसभा चुनावों की जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों में दमखम भरने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का दौर लगातार जारी है। वहीं करौली के शेरपुर गांव के पास राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल 2 दिसंबर को जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम है इसमें शेरपुर दिनांक 2 दिसंबर को सवेरे, तो उस संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं श्रीमान एसपी साहब के और जिला कलेक्टर महोदय के, उस संबंध में तैयारियां देखने के लिए हेलीपैड और इसके लिए आए हुए हैं।
वाहन चोरी होने के बाद पीड़ित को अब पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर CCTNNS सिटीजन पोर्टल का विशेष ऑप्शन बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब पीड़ित लोग कहीं से भी बैठे बैठे वाहन चोरी की EFIR दर्ज करा सकेंगे। जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में आचार्य सर्किल पर कड़ी नाकाबंदी कर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। दरअसल शहर में महीने के अंतिम दिन में ट्रैफिक पुलिस को टारगेट पूरा करना होता है। ऐसे में चालान काटने की रफ्तार ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार तेज है। अजमेर के ब्यावर में कटारिया कॉलोनी स्थित एक खाली भूखंड में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं युवक की शिनाख्त अजगर बाबा के थाना निवासी कालू सोलंकी पुत्र हजारी सोलंकी के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चुनाव को लेकर सियासत चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने धांधली की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जिस जीत को ऐतिहासिक बता रही है वो कोई ऐतिहासिक जीत नहीं है। सामने मैं कहना चाहता हूं कि 4 दिसंबर से जो है विधानसभा का सत्र आहूत किया जा रहा है। निश्चित रूप से विधानसभा के इस सत्र में समय अवधि तो मात्र 2 दिन की है, लेकिन इस 2 दिन की अवधि में हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे। 3 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है। उस विधानमंडल दल की बैठक में कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी कि किस विषय को किस नियम के अंतर्गत जो है सदन के अंदर उठाना है। हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम 310 के अंतर्गत और नियम 58 के अंतर्गत सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे और सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देखने का एक मामला सामने आया। इस दौरान नगरपालिका की फायर ब्रिगेड शहर में गटर और नालियां धोते हुए नजर आईं। जब इस संबंध में न्यूज इंडिया संवाददाता ने संबंधित नगरपालिका के कर्मचारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना तो हालांकि उचित नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि नगरपालिका ने जो टैंकर उन्हें उपलब्ध करवाए हैं उनकी हालत खस्ता हो चुकी है और आचार संहिता के चलते वे उन्हें ठीक भी नहीं करवा सकते, जिसके कारण से फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी के रामपुर में प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद याकूब खान ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश महासचिव मोहम्मद याकूब खान ने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उस पर अमल किया जाए। रामपुर इतना पवित्र नाम है, अगर राम मंदिर हमारे रामपुर में बन जाए तो और भी अच्छा है और अयोध्या में मस्जिद ही रहने दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि राम मंदिर हमारे रामपुर में अगर बन जाए तो अच्छा है और अयोध्या में मस्जिद ही रहने दिया जाए, उस पर जबरदस्ती नहीं की जाए। उस क्योंकि इतिहास हो सकता है ये बताता है कि मस्जिद तोड़ के वो लोग कहते हैं कि मंदिर बना, ऐसा नहीं है, बल्कि मस्जिद ही थी, मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद ही है हमारे ईमान के मुताबिक। वहाँ मस्जिद रहने दिया जाए, रामपुर में राम मंदिर भव्य मंदिर बन जाए जिसमें हम जो है तन से मन से धन से उसको कोऑपरेट करेंगे और हम जो है वो चंदे के साथ साथ हम जो है कार सेवा भी करवाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।